हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडियम लेजिस। दोस्तों, आज हम जानेंगे आईपीसी सेक्शन 120B के बारे में, यानी कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी के बारे में, और साथ में आईपीसी सेक्शन 34 के बारे में भी हम जानेंगे, और इन दोनों सेक्शन में डिफरेंस क्या है, और ये दोनों सेक्शन कब कब लगाए जाते हैं ये भी हम जानेंगे। आज का वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं आईपीसी सेक्शन 120B क्या होता है। यदि एक से अधिक व्यक्ति कॉमन इंटेंशन के साथ किसी घटना को अंजाम देते हैं तो ऐसे आपराधिक कार्य क्रिमिनल कंस्पिरेसी में आते हैं, जैसे कि रेप, मर्डर, चोरी इत्यादि। और यह जरूरी नहीं है कि उस घटना को साथ मिलकर अंजाम दिया गया हो। क्रिमिनल कंस्पिरेसी में यदि कोई एक व्यक्ति भी उस घटना को अंजाम देता है तो कानून की नज़र में माना जाएगा कि वो बराबर के अपराधी हैं और उनको बराबर पनिशमेंट भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए क्रिमिनल कंस्पिरेसी को हम एक एग्जांपल के साथ जान लेते हैं। ए जो है जेड का मर्डर करना चाहता है, इसलिए ए जो है बी सी डी को पैसा देता है और फुल सपोर्ट करता है कि जेड की मर्डर हो जाए, और बी सी डी जाते हैं जेड का मर्डर कर देते हैं। लेकिन उस घटना को अंजाम केवल कोई एक व्यक्ति ही देता है, लेकिन कानून के नज़र में ए बी सी डी जो हैं ये बराबर के अपराधी होंगे। इसी को हम क्रिमिनल कंस्पिरेसी कहते हैं। चलिए अब हम पनिशमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीसी सेक्शन 120B यानी कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी में मृत्युदंड से लेकर आजीवन कारावास, 6 महीने की सजा, 2 साल से अधिक की सजा और साथ में फाइन भी हो सकता है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं आईपीसी सेक्शन 34 क्या होता है। इसमें भी एक से अधिक व्यक्ति होते हैं और कॉमन इंटेंशन भी होता है, और किसी घटना को अंजाम एक व्यक्ति के द्वारा या साथ मिलकर किया गया हो तो ऐसे आपराधिक कार्य आईपीसी सेक्शन 34 में आते हैं। सेक्शन 34 को चलिए हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। सपोज डेट 4 व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारने जाते हैं और चारों एक साथ जाते हैं, लेकिन उस घटना को अंजाम केवल कोई एक व्यक्ति करे या साथ मिलकर चारों व्यक्ति करें तो ऐसे आपराधिक कार्य आईपीसी सेक्शन 34 में आते हैं। और याद रखें, आईपीसी सेक्शन 34 के साथ कोई अन्य धारा जरूर लगता है। चलिए दोस्तों, ये हम जान लेते हैं इन दोनों सेक्शन में डिफरेंस क्या है और ये कब कब लगता है। बहुत लोग इन दोनों सेक्शन को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए दोस्तों, आईपीसी सेक्शन 120B में यानी कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं और इसमें प्लानिंग भी होता है और सभी का कॉमन इंटेंशन भी होता है, और उस घटना को अंजाम केवल कोई एक व्यक्ति करता है और कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो हाइड होते हैं, वो पीछे से उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, आईपीसी सेक्शन 34 में इसमें भी एक से अधिक व्यक्ति होते हैं और कॉमन इंटेंशन भी होता है, लेकिन उस घटना को अंजाम लोग एक साथ देते हैं या तो कोई उनमें से एक ही व्यक्ति देता है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों सेक्शन में आप डिफरेंस जान गए होंगे और ये धारा कब कब लगेगा ये भी जान गए होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाता हूँ, इसलिए जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय।